फटाफट से फाड़ करके इसको फिर छोटे छोटे कट्स लगा लूंगी। तो अभी मैं कट कर रही हूँ गाइस, इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली छोटे छोटे पार्ट करने से अच्छा होता है। एक बार मैंने बड़े बड़े पार्ट करके डाले थे, तो वो गाजर चावल में मीठा लग रहा था, तो फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आया। तो मैं जब ऐसे छोटे छोटे पीस करके डालूंगी तो मीठा होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये मैंने मेरी गाजर कट कर ली है, आपको दिखाती हूँ। अरे यार, ये सब मेरे से गिरता क्यों है? तो ये देखिए, ये मैंने गाजर को कट कर लिया है। अभी मैं इसको चावल के अंदर डालूंगी और ये थोड़ा मटर भी डालूंगी। थोड़ा ये दाल में मटर हो गया और थोड़ा चावल में भी। मेरे को मटर अच्छा लगता है यार। ये देखिए, ये थोड़े हरे गाजर, मतलब हरे गाजर बोल दी, हरे मटर बोल दी, और ये लाल लाल गाजर, इसको चावल के अंदर डालेंगे। मैं चावल मेरा निकाल लूँ थोड़ा। एक्चुअली गाइस, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत मन से बनाती हूँ। पर वो क्या है ना कि कभी कभी थकान हो जाती है, तो यू नो आप लोग समझ सकते हैं कि जब थकान हो जाए तो उतनी इच्छा नहीं होती बनाने की। तो ये देखिए, ये मेरा चावल, ये बासमती चावल है, और ये गाजर और मटर इसमें मिक्स करके धुल लेंगे। क्या टेस्ट है, मतलब पहली बार पीती हूँ ना तो गंदा सा टेस्ट आता है, पर जब धीरे धीरे खत्म होने वाला होता है ना, तो इसका स्वाद अच्छा आता है।